बात वो नहीं है, उसका प्रयोजन होना चाहिए ना। मेरा समय तुम्हें बहुत कीमती, बहुत बहुत कीमती है मेरा समय। अरे सुनिए तो सर, जी आपके प्रयोजन के वास्ते ही कॉन्फ्रेंस होना है। मध्य प्रदेश का, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का सीएम कौन होगा, इसकी घोषणा करना है आपके साथ बैठ। ये तो हम घोषणा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो वो उसका काम डिसाइड करेगा, जो अधिक लोगों को जोड़ेगा वो पीएम, वो सीएम बनेगा। मैथिली संघ गुप्त सर इतना देखेंगे कि कोई दुष्ट तो नहीं है, यदि वो दुष्ट नहीं है तो अपने जो है ना लोगों को जोड़ने की संख्या के आधार पर उसको पीएम बनाने का मैंने ऑलरेडी अपना वो दे दिया है, अपना मत दे दिया है या अपना हक दे दिया है। और दूसरी बात है कि सीएम कोई भी रहे, काम तो मैथिली शरण गुप्त को सर। एक सवाल करें आप, 200% जितने सवाल चाहे उतने सवाल करें। आप अभी कहाँ हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में हैं? मैं भोपाल में हूँ। मैं भोपाल आना चाहता हूँ, अब बताइए कैसे आऊँ। अरे ट्रेन चलती है, सबसे अच्छी ट्रेन है, आराम से सोते हुए भोपाल एक्सप्रेस से आ जाइए आप। बॉम्बे से किस ट्रेन में है? लक्ष्मी जी साथ में है, लीजिए बात कीजिए। हेलो डीजीपी साहब है, लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सहधर्मिणि का पूरा फर्ज भी निभा रही हैं। और उस समय जब शाह भाई हमसे मिलने आए थे, उस समय भी आप साथ में थी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सहधर्मिणि का जो धर्म है वो जब आप निभाते हैं तो हर पति को अपना काम करने में सहूलियत होती है, वो अपने पूरे संकल्प के साथ काम कर सकता है, संकल्प के साथ जुड़ सकता है, संकल्प के साथ उसकी जो भी विचार है उनको जमीन पर उतार सकता है। तो साहिल भाई भोपाल आना चाहते हैं, आप दोनों का स्वागत है, प्लीज डू कम। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि जब भी आपको सुविधा होती है आप जरूर आइए। और मैं तो कहूंगा कि इस महापरिवर्तन में आप यदि कोई भूमिका निभाना चाहें, विशेष तौर पर महिलाओं को जोड़ने की, नारी शक्ति को जोड़ने की, तो जो पद आप अपने लिए उचित समझते होंगे मैं वो भी आपको देना चाहूंगा। तो आप सोच लीजिए कि कहाँ का और किस लेवल का, वो आपकी एनर्जी, कमिटमेंट और डेडिकेशन के ऊपर आधारित है। तो आपको लगता है कि जिस क्षेत्र के साथ, जिस पद के साथ आप न्याय कर पाएंगी, वो पद आपको जो है, एक मुझे आपको अपनी विलिंगनेस के साथ मुझे ये पद चाहिए, दूसरा एक आधार कार्ड आप भेज देंगे तो फिर मैं आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजूंगा और जॉब डिस्क्रिप्शन भेजूंगा कि इस पर्टिकुलर पद से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं और उस एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्या क्या काम करना है, तो आप इसमें निश्चित तौर पर जो है ना अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि आपका कमिटमेंट है और आप अपने पति का पूरी तरह से साथ निभाने की कोशिश करती हैं। तो जब आप हमारी कमांडर होंगी तो साहिल जी अपने आप जो है सिपाही बन के आपके साथ में खड़े दिखाई देंगे। ये बात से सहमत है कि नहीं है? क्यों, देखिए होम मिनिस्टर की बात तो हर किसी को मानना पड़ती है, मानना पड़ती है कि नहीं मानना पड़ती है? आपकी आवाज नहीं आ रही लक्ष्मी जी, हमने कहा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी ट्रेन में है ना, तो आवाज कट रही है। चलिए तो आप लोग आराम से यात्रा करिए और लौटते वक्त यदि आपका भोपाल का प्रवास बनता है तो मुझे सूचित कर दीजिए, जिससे मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं भोपाल में रहूं, क्योंकि मेरा दौरा बहुत होता है। आउटर से ही फिर फोन करते हैं। ठीक, हाँ, तो आप जो है अपना प्लान बना के यदि बताएंगे। हेलो जी, जी सर। अरे सर हमसे बात कीजिए, ये तो बात ही नहीं करती है। नहीं नहीं, जो लोग बात नहीं करते हैं, देखिए जो लोग बात नहीं करते हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं, वो ध्यान से सुनते हैं, मनन करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। और जो हम जैसे बड़बड़िया होते हैं, जो कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, वो किसी काम के लोग नहीं है सर।
हम दोनों कब आए ये बताइए, आप कब मिलेंगे भोपाल में? नहीं नहीं, आप तो जो है वहां से मुंबई से लौटते वक्त यदि आप भोपाल में अपना जर्नी ब्रेक कर लें और मुझे समय बता दें तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं अवेलेबल हूं कि नहीं हूं, और यदि मैं मेरे प्रोग्राम में संशोधन करते हुए यदि मैं यहां पे रह सकता हूं तो मैं वो भी कोशिश करूंगा। ओके सर। अच्छा एक सवाल मैं करूं? आप जोर से करिए सर। ये मैं कह रहा था, आपसे गुजारिश कर रहा था, निवेदन ये है कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पे अभी तक तैयार हो गए लोग चंद्रगुप्त? मैं सवाल आप, अरे ये तो कब आंधी बन जाएगी, अभी तो हवा रेंग रही है, एक कब भयानक आंधी बनेगी, इसमें तो कोई नहीं बचेगा। शिवराज सिंह जी जो है ना अगले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कमलनाथ जी भी अगले मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं। एकदम सही बात है। तो कितनी सीट की तैयारी यारी क्या है, जहां जनता ही फौज है और जनता ही कमांडर है वहां तैयारी मैत्री सेना को थोड़ी करना है, वहां तो जनता करे। सर सही कह रहे, मैं एग्री करता हूँ। ये 21 पॉइंट जो है अपने क्राइम फ्री भारत के, ये 21 के 21 पॉइंट हमें आप भेज दीजिए। बॉम्बे के बहुत बड़े पत्रकार हैं बलजीत परमार, अच्छा वो मांग रहे थे, हमने उनसे कहा। मैं आपको जो है मैं आपको चार डॉक्यूमेंट भेजता हूँ और दो घोषणाएं भेजता हूँ, ठीक है ना? उस चार डॉक्यूमेंट में एक में आपको 21 लक्ष्य मिल जाएंगे, दूसरे में आपको जो सदस्य शपथ है उसका प्रारूप मिल जाएगा, तीसरे में आपको जो है 21 बाह्य विधाएं जिसके तहत इंक्लूसिव लोगों को जोड़ना है। एक भी जो है समाज का एक भी तबका नहीं बचेगा जो क्राइम फ्री भारत से नहीं जुड़ेगा, राइट? एकदम सही। तो वो 21 विधाओं बाह्य विधाओं की स्ट्रेटेजी है, और इसके बाद चंद्रगुप्त की शपथ है, और चंद्रगुप्त और सदस्य में क्या फर्क है यह भी समझाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। जो ऐप आपके पास है उस ऐप में भी ये सब जानकारी अपलोडेड है। यदि आप ऐप को खोलेंगे और उसमें पहला टैब है ऊपर अबाउट द कम्युनिटी, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये वहां पर भी अपलोडेड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी भेज देते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि आप चूंकि प्रेस से जुड़े हुए हैं तो इनको थोक में यदि छपवा के आप मेरे पास भेजेंगे तो उनको 5 या 10 रुपए के लाभ के साथ हम जनता को बिचवाएंगे, तो जो गरीब बेचेगा उसको भी 10 रुपए मिल जाएंगे और आपका भी भला हो जाएगा, मुफ्त में कोई चीज नहीं लेना। सर ये 21 के 21 पॉइंट एक पूरे पेज में दीजिए, मैं इसको न्यूज पेपर में फ्रंट पेज पे छाप के आपको 10,000 पेपर भेज रहा हूँ। ओ ग्रेट ग्रेट, आपने तो जो है ना बड़ा काम कर दिया है। हम आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैसी बात करते हैं आप, मेरे बड़े भाई हैं, छोटी बात क्यों करते हैं हमसे? नहीं देखो सिराज जी, देखो छोटे बड़े की बात नहीं, जो भी इस महापरिवर्तन अभियान में अपना योगदान दें मैथिली धर्म उसको सल्यूट भी करेगा और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करेंगे। आपकी सोच बहुत बढ़िया सर, मैं कह रहा हूँ आप लगे रहिए, कामयाबी पक्की है। मैं तो कह रहा हूँ 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। ये आपको मेरे आवाज में कभी कंपन महसूस हो रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम आपको इसकी बधाई देते हैं, आप सही जा रहे हैं। हाँ और आप चिंता मत करो कि अभी कौन जुड़ा हुआ है, अरे हम तो आम आदमी से बात कर रहे हैं, गली पे खड़े हुए आदमी, जो दुकान पर बैठा हुआ है, जो किसान पर बैठा हुआ है, जब वो जागृत हो जाएगा तो ये ठेकेदार अपने आप खत्म हो जाएंगे। सही बात। इन इन ठेकेदारों की क्या औकात है मुझे बताइए आप? एकदम सही कह रहे हैं। तो मैं बॉम्बे में 2 दिन का काम है निपटा के आपको बताता हूँ। लक्ष्मी आप लेकिन ये काम मेरा जरूर कर दीजिए जो आपने अपने ऊपर ले लिया है। यदि आप अपने पेपर में ये सब बाह्य विधाएं और ये सब अलग अलग जगह पे छाप के यदि आप मुझे 10,000 कॉपी भेज देंगे तो आई विल बी रियली सिंसियरली थैंक्स। सर मेरी तो सुन लीजिए बड़े भाई, आप अभी भेजिए, आज ही कल के पेपर में छपा हुआ मिलेगा आपको, और बताइए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आपका जो है यही जो है आपकी, मैं महसूस करता हूँ कि जिस ध्येय से आप लगते हैं जी, मुझे आपकी कम्युनिटी का एक भी व्यक्ति उस कमिटमेंट का नहीं दिखता, एक भी व्यक्ति। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ नहीं ये सही बात नहीं है, उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। अब देखो मैं एक वीडियो देख रहा था
कि एक छोटे सा बच्चा है, उसका बर्थडे था, क्या था मालूम नहीं, आयिफ थी क्या थी, एक जो है मेमने को खिलौने को उसको काटने का अभ्यास करा के वहां पर उसको फील देने के लिए एक गुब्बारे में लाविंग भरा हुआ वो फेंका जा रहा है, हम क्या संस्कार देना चाहते अपने बच्चों को? आप बिल्कुल, आपको लज्जा आएगी कि नहीं आएगी? मैं तो ये कह रहा हूँ क्या सिखा रहे हो, हिंसा जी। हम तो ये कह रहे हैं ईद पे क्यों मेमना कटना चाहिए? बिल्कुल सही बात। कितने जीवों की हत्या करूंगे, खत्म हो। और एक चीज मैं बता दूं, ये धरती जो है मानव की जो है ना जागीर नहीं है, इसमें जितने भी प्राणी निवास कर रहे हैं उन सबका हक है, कीट पतंगों का भी हक है। एकदम सही, बिल्कुल बढ़िया बात आपकी। तो फिर हम किस हक से इन्हें काट रहे हैं? और देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके दांत से लेके आपकी पाचन शक्ति से लेके कोई भी चीज जो है मांस खाने के लिए ईश्वर ने डिजाइन नहीं की है, तो ईश्वर की डिजाइन के प्रति अत्याचार क्यों कर रहे हो? जी सही बात। इस भाषा में और कोई बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, लेकिन मैथिली श्रवण गुप्त में वो संकल्प है कि वो जो है ऐसा बोल भी सकता है और जमीन को उतार भी सकता है। सर मैं इसीलिए तो आपको बड़ा मानता हूँ, आपकी जज्बा एकदम ईमानदाराना है। आप हमें बताइएगा मैं कब भोपाल आऊं, और ये कल के पेपर में छपा हुआ मिलेगा, तुरंत भेजिए हमें सब। मैं अभी आपको जो है ना व्हाट्सएप से भेज रहा हूँ, और उसमें चार डॉक्यूमेंट और दो घोषणाएं होंगी। मैं अनुग्रह हूँ यदि आप छह चीजों को छाप देंगे। अरे सब उसमें कहीं डुप्लीकेशन हो तो उसको कट, उसको डुप्लीकेशन हो तो कट कर देना, मतलब कई बार डॉक्यूमेंट में एक दस्तावेज ज्यादा डल गए हैं। मैं आई विल डू दिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।